तो गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो कैसे आप लोग, तो आज हम बात करने वाले हैं जूक HDMI लिंक A300 के बारे में, एंड्रॉयड 5 प्लस विथ iOS 8 अबाउट डिवाइसेस कंपेटेबल। ओके, और क्या लिखा है इसके साइड में, एक्सपीरियंस 1080p बिब्ड इमेज iOS एंड एंड्रॉयड HDTV केबल। अपने को कुछ नहीं चाहिए, अभी अपन इसको करते हैं अनबॉक्स। बड़ी ही स्टाइलिश पैकेजिंग है यार इसकी। मतलब साइड में टेप लगा हुआ है यार, बीच में तो हमने देखा था, साइड में पहली बार देख रहे हैं। और कुछ है क्या, नहीं है यहाँ, और तो ये ही बस लाना जरूरी था। हाँ, तो आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये है बहुत काम की चीज़। किस काम की चीज़ है ये, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे काम में आती है। ये है देखिए HDMI, तो ये डायरेक्ट काम करेगी। ये है पावर देने के लिए, इसको पावर देंगे अपन यहाँ से। ये अपना माइक्रो USB, हाँ तो ये है माइक्रो USB, ये है टाइप सी, तो ये माइक्रो USB से टाइप सी में भी लग जाता है ऐसे। और जैसे आपके पास एप्पल है तो एप्पल में भी लग जाएगा ये ऐसे। खैर एप्पल में तो डायरेक्ट ही सपोर्ट होता है, तो एप्पल का तो क्या ही ज़रूरत है आप। ठीक है, तो ये एप्पल और सारे ही डिवाइसेस के साथ में कंपेटेबल है ये। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे है कंपेटेबल, ठीक है, क्या यूज़ है इसका। और इस केबल में एक अच्छी खासी लेंथ है जो कि आपको ये कैप्चर कार्ड में लगेगी। कितना अच्छा लंबाई है ये आप देख सकते हो। मतलब भाई साहब ये देखिए, आपका डिवाइस 2 किलोमीटर दूर तक सपोर्ट करेगा। बहुत अच्छा खासा लेंथ है इसका, बहुत लंबा है, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका यूज़ क्या है। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ जूक का कमाल, इसका अभी मैं आपको कमाल दिखाता हूँ जो कि अभी होने वाला है। सबसे पहले इसको लगा देते हैं हम HDMI पोर्ट में। HDMI पोर्ट दिख रहा है आपको, HDMI पोर्ट ये रहा, ठीक है, TV का HDMI का। इसको लगाते हैं पहले हम, ये लग गया HDMI पोर्ट में। अभी इसको लगाना है पावर में, तो इसको पावर में लगाने के लिए ये चाहिए 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ज़्यादा बड़ा चार्जर नहीं लगाना, हो सकता है कि आपका ये उड़ जाए, मतलब ख़राब हो जाए, तो आपके 2000 रुपये गड़बड़ा जाएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसे नॉर्मल से चार्जर में लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। अभी यहाँ का काम ख़त्म। अभी हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं जो कि बहुत मतलब कमाल का, एकदम कमाल ही है। सबसे पहले हम HDMI 3 में लगाए हैं, तो HDMI 3 को खोल देते हैं। ये HDMI आ गई है। अभी अपने को चाहिए एक स्मार्टफोन जिसकी डिस्प्ले अपने को इस पर देखनी है। तो अभी अपने को चाहिए था एक स्मार्टफोन नॉर्मल सा, तो मोले मिल गया है मुझे। ये लगाया अपन ने इसमें, ये आएगा इसमें एक पॉपअप, तो इसको कर दीजिए कैंसिल, ठीक है। तो अभी हमने इजी कास्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, तो इसको ओपन करते हैं, शायद कुछ हो, देखते हैं क्या होता है। इस पर क्लिक करना है आप केबल पे, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है USB थ्रेडिंग। ओके, ये आ गई USB थ्रेडिंग टेथरिंग, कुछ भी पढ़ता हूँ मैं, देख रहे हो। और ये देखिए आप, कनेक्ट होने जा रही है अपनी PB स्मार्टफोन से। तो ये आ गया है यहाँ पे मीरा प्लग, देखिए आप।
अभी आपको मेरा प्लग पे क्लिक करना है बस, और ये कनेक्ट हो गया। ठीक, ये देखिए, तो अभी आप इसका कमाल देखिए जी, ये है इसका कमाल। ठीक है, नॉन एमएचएल स्मार्टफोन का डिस्प्ले कैप्चर करना, ऑडियो कैप्चर करना। देखिए, ऑडियो ऑडियो कई सिनेरियो में नहीं आता है, वो आप देख लेना, लेकिन मेरे इस स्मार्टफोन से आ रहा है, बट पोको X3 प्रो से नहीं आ रहा है, तो ये एक बात है। बाकी मैं यार NCS म्यूजिक बता के देता हूँ। देखिए, मतलब साउंड भी टीवी से आ रहा है। अरे, हमें एक हाथ से गेम खेलना पड़ रहा है अभी। तो आप देख सकते हो, जाओ इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने दो थोड़ी सी। देखिए सर, साउंड का भी सही है ना, साउंड का भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप साउंड भी जा रहा है, मतलब सभी सभी कुछ है, और क्वालिटी भी देख सकते हो आप यार, मतलब 40 इंच की LCD पर ये क्वालिटी आ रही है। देखिए सर, दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी HDMI कैप्चर कार्ड आने वाला है, 2 दिन के अंदर आ जाएगा, तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, तभी तो मैं आपको डिटेल दे पाऊंगा कि ये वर्क करता है सही से या नहीं, क्योंकि मेरे को तो लाइव स्ट्रीम इसी से करनी पड़ेगी ना। अगर मैंने मंगाया भैया 3,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ मैं कैप्चर कार्ड और चिप के ऊपर, तो मेरे को तो इसी से करनी पड़ेगी ना। तो सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़, जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाए, मुझे भी हेल्प हो जाए, तो मिलकर आगे बढ़ जाएंगे अपन सभी। तो टेक केयर, बाबा टाटा, सी यू नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं।